हे एवरीवन, मैं हूं अनम। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी क्लास 9 की पोएम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, और मैं डिस्कस करूंगी सभी पोएटिक डिवाइसेस भी। इसकी पोएट हैं फीबी कैरी। अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज अ बैलेड। बैलेड क्या होता है? जब एक पोएम को छोटे छोटे स्टेंजाज में लिखा जाए उसे कहेंगे बैलेड। स्टार्ट करते हैं। अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। व्हाट्स अ लेजेंड? लेजेंड किसे कहते हैं? वेल, लेजेंड होती है एक बहुत ही पुरानी और फेमस कहानी जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक पास ऑन होती चली जाती है, और इसी तरीके से वो बहुत फेमस हो जाती है, उसे कहेंगे लेजेंड। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू। नॉर्थलैंड एक एरिया है नॉर्थ पोल के पास जो कि बहुत ही ठंडा एरिया है, जहाँ पे बहुत बर्फ़ गिरती है, राइट? सो ये कहानी है वहाँ की। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। सो ये कहानी है नॉर्थलैंड की, जहाँ पे दिन इतने छोटे होते हैं कि पता भी नहीं चलता, और जो नाइट्स हैं वो इतनी लंबी होती हैं विंटर्स में कि कितना भी सो लो वो रात ख़त्म होती ही नहीं है। और आपको पता ही होगा विंटर सीजन में नाइट्स लॉन्ग होती हैं और दिन छोटे होते हैं। तो सिमिलरली ऐसा ही एरिया था नॉर्थलैंड, जहाँ पे दिन बहुत छोटे थे और रातें बहुत लंबी थी, और वहाँ पे ठंड भी बहुत बहुत ज़्यादा होती थी। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज। स्विफ्ट मीन्स फास्ट, तेज। रेनडियर एक एनिमल होता है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। इसका यूज़ होता है स्नोई एरियाज में। ये बर्फ़ पे काफ़ी अच्छे से और तेज़ी से चल सकता है, इसलिए ठंडे इलाकों में रहने वाले लोग जो हैं वो इस एनिमल का यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करने के लिए। इसके पीछे एक छोटा सा व्हीकल बांध देते हैं जिसको बोलते हैं स्लेज। आप पिक्चर में देख ही सकते हैं, दो बच्चे बैठे हैं स्लेज में। तो ये कहानी ऐसे एरिया की है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर्स कब्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। सो फर जो है वो एक बहुत ही वार्म कपड़ा होता है, तो पोएट कह रही हैं कि और उस एरिया में जो छोटे बच्चे हैं वो इतने क्यूट लगते हैं, वो बिल्कुल बेयर कब यानी भालू के बच्चों जैसे लगते हैं अपने फर के बने हुए कपड़ों में लिपटे हुए। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी। और उसी एरिया में लोग अपने बच्चों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव इट इज़ ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू। सो पोएट कहती हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये कहानी सच है, आई थिंक इट्स नॉट ट्रू, बट फिर भी मैं चाहूँगी कि आप ये सुने, क्योंकि आपको इसको सुनने के बाद एक लेसन ज़रूर मिलेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. तो ये कहानी है उस वक्त की जब गुड सेंट पीटर, एक सेंट थे जिनका नाम पीटर था, वो दुनिया में रहते थे। एक बहुत 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 पुरानी कहानी है ना, इसलिए ये बता रहे हैं कि उस वक्त की है जब सेंट पीटर जिंदा थे और दुनिया में रहते थे, और वो एक जगह से दूसरी जगह हमेशा ट्रैवल करते रहते थे प्रीच करने के लिए, यानी लोगों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, उनको समझाने बुझाने के लिए। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ। एक दिन शाम को वो एक कॉटेज पे पहुंचे, ट्रैवल करते करते वो एक छोटे से कॉटेज के सामने पहुंचे, और वहां पे उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द अर्थ। वहां पे एक छोटी सी हाइट की वुमन केक्स बना रही थी और उनको बेक कर रही थी अपनी हर्थ में। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन। अब जो सेंट पीटर थे वो बहुत कमज़ोर फील कर रहे थे क्योंकि उन्होंने सब सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। बीइंग फेंट विद फास्टिंग मींस उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और वो काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रहे थे। फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, और क्योंकि अब दिन भी ख़त्म होने को आया था, रात निकलने लगी थी, तो वो काफ़ी
भूखे थे. ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन. और उन्होंने उस औरत से सिर्फ एक केक मांगा. उस औरत के पास तो बहुत सारे केक्स थे, बट सेंट पीटर ने सिर्फ उनमें से एक केक मांगा ताकि उसे खाके वो अपनी भूख को शांत कर सकें. सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे. सो जब सेंट पीटर ने उस वुमन से केक मांगा तो उसने एक छोटा सा केक बनाया, एक छोटा सा एक मिक्सचर का डो लिया और उसको बनाना रख दिया. लेकिन जब वो बनके तैयार हो गया तो वो उस केक को देना नहीं चाहती थी. क्यों? क्योंकि बनने के बाद वो साइज़ में थोड़ा सा इंक्रीज हो गया. आपने देखा होगा पिज्ज़ा वगैरह अगर आप खाते हैं तो आपने देखा होगा बनने के बाद वो थोड़ा सा उभर के साइज़ में बड़ा हो जाता है. तो सिमिलरली वो तो चाहती थी एक छोटा सा केक बनाए, बट वो केक जब बन के तैयार हुआ तो वो थोड़ा बड़ा दिखने लगा, तो वो नहीं चाहती थी उस केक को देना. उसको लगा नहीं ये तो बहुत बड़ा है, ये तो मैं खाऊंगी. देयरफॉर शी नीडेड अनदर एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन. इसीलिए उस वुमन ने, उस औरत ने सेंट पीटर के लिए एक और पहले वाले से भी छोटा केक बनाया, बट जब ये केक बन के तैयार हुआ तब ये भी थोड़ा बड़ा ही लग रहा था उसको. वो ये केक देने के लिए भी नहीं तैयार हुई. देन शी टुक अ टाइनी स्क्रेप ऑफ डो एंड रोल्ड इट फ्लैट एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, बट शी कुडंट पार्ट विद इट. अब थर्ड टाइम उसने इतना छोटा, इतना पतला सा केक बनाया जैसे कि वो केक ना हो, एक वेफर हो. बट जब वो बन के तैयार हुआ तो वो ग्रीडी वुमन, वो लालची औरत उस केक को देने के लिए भी तैयार नहीं हुई. वो उस केक से भी अलग नहीं होना चाहती थी. फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ. उसने क्या कहा, उस वुमन ने क्या कहा कि जब मेरे केक्स मैं खुद खाती हूँ तब तो वो मुझे बहुत बहुत छोटे लगते हैं, और जब मुझे किसी को देने पड़ रहे हैं तब वही सेम केक्स मुझे बहुत बड़े लग रहे हैं, मैं उनको नहीं देना चाहती. इसीलिए वो एक के बाद एक केक्स को बना के अपनी शेल्फ पे अरेंज करती चली गई. देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट. अब जो सेंट पीटर थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए. क्यों? क्योंकि एक तो वो हंग्री थे, उनको भूख लगी हुई थी, वो कमज़ोर फील कर रहे थे, और सेकेंडली उस वुमन का इतना ज़्यादा लालच देख के सेंट पीटर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया. उसका लालच काफ़ी था उनको गुस्सा दिलाने के लिए. एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वॉर्म. सो सेंट पीटर क्या कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, तुम डिज़र्व ही नहीं करती इंसान बन के रहना, एक ह्यूमन फॉर्म में रहना तुम डिज़र्व ही नहीं करती क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो. तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास फूड है, रहने के लिए शेल्टर है, और खुद को गर्म यानी वार्म रखने के लिए फायर भी है, बट स्टिल सब कुछ होने के बावजूद भी तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, इसलिए तुम डिज़र्व नहीं करती ह्यूमन फॉर्म में रहना. Now you shall build as the birds do and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. तुम्हें तो पक्षियों की तरह रहना चाहिए, birds की तरह रहना चाहिए, जो पूरा पूरा दिन अपने थोड़े से food को जमा करने के लिए सारा दिन सूखी लकड़ी में अपनी beak से, अपनी चोंच से खाने को इकट्ठा करने में लगा देते हैं पूरा दिन. तुम्हें तो उन birds की तरह रहना चाहिए. Then up she went through the chimney, never speaking a word. और जैसे ही सेंट पीटर ने उसको कर्स किया, जैसे ही सेंट पीटर ने उसको श्राप दिया कि तुम पक्षी बन जाओ, उसी वक्त वो जो वुमन थी, वो जो लेडी थी, वो एकदम से फड़फड़ा के वो बर्ड बन गई और ऊपर से चिमनी से निकल आई. और उस दिन के बाद उस वुमन ने एक वर्ड भी नहीं बोला. And out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. वो क्या बन गई थी? वो बन गई थी एक woodpecker, और वो convert हो गई थी एक bird में.
She had a scarlet cap on her head and that was left the same. एक रेड कलर की कैप जो उसने पहनी हुई थी बस वही उसके सर पे बची थी जो पहले की जैसी सेम थी, उसके अलावा कुछ भी सेम नहीं था. All the rest of her clothes were burnt black as a coal in the flame. उसके बाकी के सारे कपड़े जल चुके थे कोयले में. And every country schoolboy has seen her in the wood where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. So ऐसा कहा जाता है कि वो आज भी उन्हीं वुड्स में रहती है वुड पैकर बन के, और एवरी डे उसको अपना खाना जमा करता है करना पड़ता है लकड़ी को कुरेद कुरेद के. और हर स्कूल बॉय, कंट्री मीन्स रूरल एरिया, और वहाँ रहने वाले सब बच्चे, सब स्कूल बॉयज़ उस वुड पैकर को आज भी देखते हैं. सो ये थी पोएम द लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड. अब डिस्कस करेंगे इसके पोएटिक डिवाइसेस. फर्स्ट पोएटिक डिवाइस है राइम स्कीम, जो कि बहुत आसान है. लास्ट वर्ड आपने देखना है हर स्टेंजा का और उसको मैच करने की कोशिश करनी है. नॉर्थलैंड फ्यू विंटर थ्रू. सो नॉर्थलैंड और विंटर तो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे, बट फ्यू और थ्रू मैच कर रहे हैं. सो राइम स्कीम विल बी ए बी सी बी. नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज एंजॉयमेंट. नॉर्थलैंड और विंटर, फर्स्ट और थर्ड लाइन के बाद कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो इसे कहेंगे एंजॉयमेंट. एंजॉयमेंट और राइम स्कीम हर पैराग्राफ की, आपने हर स्टेंजा की खुद ही देखनी है, और ये बहुत सिंपल है, तो इस तरीके से आप एंजॉयमेंट फाइंड आउट करेंगे. थर्ड इज एलिट्रेशन. नाउ अब हम पहले बात कर रहे हैं स्टेंजा वन और टू की. पहला डिवाइस है एलिट्रेशन. देखिए अंडरलाइन वर्ड्स को देखिए. दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू दैट दे. ये एलिट्रेशन है क्योंकि द साउंड जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है वो रिपीट हुई है दैट और दे में. एक गलती जो बच्चे अक्सर करते हैं, आप देखिए लास्ट लाइन में एक और अक्षर भी है जो टी से ही शुरू हो रहा है, वो है थ्रू. तो बच्चे क्या करते हैं, दैट दे और थ्रू, इन तीनों को ही एलिट्रेशन का एग्जाम्पल मान लेते हैं, बट ये सही नहीं है. थ्रू जो वर्ड है वो टी से स्टार्ट तो हो रहा है, बट जो साउंड है वो थ साउंड आ रही है. थ्रू इज थ साउंड और दैट और दे. तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है. आपने एलिट्रेशन में क्या करना है, जब सेम साउंड रिपीट हो तो ही वो एलिट्रेशन है, अदरवाइज नहीं. तो दैट दे थ्रू, दैट और दे, सिर्फ द साउंड रिपीट हो रही है, थ साउंड इनके साथ नहीं काउंट की जाएगी. सो ये एग्जाम्पल है एलिट्रेशन का. नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्लेजेस व्हेन इट स्नोज. स साउंड रिपीट हुई है. लुक लाइक बेयर्स कब्स. लुक लाइक, ल साउंड रिपीट हुई है यहाँ. इन देयर फनी फरी क्लोथ्स. फनी फरी, फ साउंड रिपीट हुई है. तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं एलिट्रेशन के. एलिट्रेशन थर्ड और सिक्स्थ स्टेंजा में भी यूज हुआ है. दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी. दे टेल देम, दे देम, द साउंड रिपीट हुई है यहाँ पे दे और देम में. बीच में टेल आप छोड़ देंगे, दे और देम. येट यू मे लर्न अ लेसन. येट यू, य साउंड यहाँ रिपीट हुई है. लर्न अ लेसन में ल साउंड रिपीट हुई है. फेंट विद फास्टिंग, फ साउंड इज रिपीटेड. डे वॉज ऑलमोस्ट डन. डे ऑलमोस्ट डन, डे और डन, ड साउंड रिपीट हुई है. सो ये सब भी एग्जाम्पल्स हैं एलिट्रेशन के. उसके बाद चलते हैं स्टेंजा एट और नाइन पे. सेकेंड लाइन देखिए, अंडरलाइंड जो वर्ड्स हैं बोल्ड. एंड स्टिल अ स्मॉलर वन. स्टिल स्मॉलर, स साउंड रिपीट हुई है यहाँ. देन शी टुक अ टाइनी स्क्रेप. टुक अ टाइनी, ट साउंड यहाँ रिपीट हुई है. तो ये भी एग्जाम्पल्स हैं एलिट्रेशन के. उसके बाद चलते हैं स्टेंजा 10 और 11 में. माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल. सीम स्मॉल में स साउंड रिपीट हुई है. देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री. गुड ग्रू, ग साउंड यहाँ पे रिपीट हुई है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है. अगेन ये भी एग्जाम्पल्स हैं एलिट्रेशन के ही. 13th पैराग्राफ. यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू. बिल्ड बर्ड्स, यहाँ पे ब साउंड रिपीट हुई है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ये भी एग्जाम्पल है एलिट्रेशन का. ये सब के सब एग्जाम्पल्स थे एलिट्रेशन के. अब बात करेंगे नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस की, जो है रेपिटेशन. रेपिटेशन आपको पता ही है, जब कोई वर्ड या सेंटेंस रिपीट हो उसे कहेंगे रेपिटेशन.
अवे अवे इन द नॉर्थलैंड। स्टेंजा वन में अवे वर्ड यूज हुआ है तो यह है रेपिटेशन। स्टेंजा नाइन में एंड रोल्ड इट फ्लैट, अगेन रिपीट हुए हैं वर्ड्स तो ये भी है रेपिटेशन। बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, ये वर्ड भी तीन चार बार रिपीट हुआ है 13 स्टेंजा में भी, और फिर दो बार रिपीट हुआ है 16 स्टेंजा में भी, सो इसे भी कहेंगे हम रेपिटेशन। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस, नंबर 5 पोएटिक डिवाइस इज एनाफोरा। जब दो या दो से ज़्यादा लगातार आने वाली लाइन्स शुरू होती हैं एक ही वर्ड से, उसको कहेंगे एनाफोरा। अब देखिए स्टेंजा 9 में सेकेंड और थर्ड लाइन जो है वो दोनों ही लाइन्स एक ही वर्ड से शुरू हो रही हैं, वो है एंड। एंड रोल्ड इट फ्लैट एंड बेक्ड इट थिन, सो ये है एनाफोरा। स्टेंजा 12 में है सेकेंड और थर्ड लाइन एक ही वर्ड से शुरू हो रही हैं जो कि है टू। टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, सो ये भी एग्जाम्पल है एनाफोरा का। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है सिमिली। सिमिली कहते हैं जब कंपेरिजन किया जाए, कंपेरिजन किया जाए यूजिंग टू वर्ड्स लाइक और एज। जब कंपेरिजन किया जाएगा या तो लाइक वर्ड को यूज़ करके या तो एज वर्ड को यूज़ करके, उस पोएटिक डिवाइस को बोला जाएगा सिमिली। और जब कंपेरिजन किया जाएगा बिना इन वर्ड्स का यूज़ किए, एक डायरेक्ट कंपेरिजन किया जाएगा, तब उस तरह के पोएटिक डिवाइस को हम कहेंगे मेटाफोर। सो लेट्स टॉक अबाउट सिमिली। सेकेंड स्टेंजा में देखिए एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर्स कब्स। अब जो बच्चे हैं उनको कंपेयर किया गया है, वो किसके जैसे दिखते हैं, उनको कंपेयर किया गया है बेयर के बच्चों से, एक भालू के बच्चों से। और कौन सा वर्ड यूज करके कंपैरिजन किया गया है, लाइक। सो ये हो गया सिमिली। नाइन्थ स्टेंजा में देखिए एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर। अब जो केक है वो कितना थिन था, उस केक को कंपेयर किया गया है वेफर के साथ, तो इसलिए इसे कहेंगे सिमिली, क्योंकि ये कंपैरिजन किया गया है किस वर्ड को यूज करके, बाय यूजिंग द वर्ड एज, थिन एज अ वेफर। 13th स्टेंजा में देखिए नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू। अब जो बर्ड्स काम करते हैं उस बर्ड का, नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, यहाँ पे बर्ड्स के एफर्ट्स को कंपेयर किया गया है, उसको बताया गया है कि आपको उनके जैसे अब काम करना पड़ेगा, तो इसलिए ये है सिमिली। और लास्ट स्टेंजा में है ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम। वो कितनी ब्लैक दिख रही थी, जैसे कि कोयला होता है उतनी ब्लैक वो दिख रही थी, तो ये कंपैरिजन किया गया है बाय यूजिंग द वर्ड एज। सो ये सब एग्जांपल्स हैं सिमिले के। सो दैट वाज ऑल, आई होप ये आपको पोएम समझ में आ गई होगी अलोंग विद ऑल द पोएटिक डिवाइसेस। इसी को मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन भी अपलोड किया है, इंग्लिश में पूरी की पूरी पोएम को मैंने एक्सप्लेन किया है, आप प्लीज़ वो भी सुनिए क्योंकि उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में इंग्लिश में आंसर्स लिखने के लिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, यूज़फुल लगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर भी करें, और आप मुझे कमेंट्स भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।